नमस्कार, मैं जिगिशा, जिगिशास किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं मोदक की रेसिपी ले आई हूँ। इसका नाम है राजभोग मोदक। ये खाने में बहुत ही यम्मी है और साथ में ये बहुत ही हेल्दी है, तो आप घर में इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। घर में भी सबको बहुत पसंद आएगी और जो भी खाएगा आपकी तारीफ ही तारीफ करेगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी देखने के बाद अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजभोग मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये किशमिश ली है, ये बादाम और पिस्ता है। इसको मैंने गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर रखा था और ये बाद में छिलके निकाल दिए है। ये थोड़ा सा घी है, इलायची पाउडर और ये मगज तरी के बीज और गरम दूध में मैंने केसर को भिगो के रखा था, ये वो है। सबसे पहले हम इसके स्टफिंग की तैयारी करेंगे। मोदक के स्टफिंग के लिए मैंने मिक्सर जार में किशमिश डाली है, बादाम और पिस्ता को डाला है। आप छिलके वाले बादाम भी ले सकते हैं। ये मगज तरी के बीज है। अब मैं इसे पीस लूंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने ये पीस लिया है। अब मैं इसको एक कटोरी में निकाल दूंगी। बस ऐसा ही हमें पीसना है, थोड़ा दरदरा सा। देखिए, मैंने इसे कटोरी में निकाल दिया है। अब मैं हाथ को थोड़ा घी से चिकना करूंगी और इसके इसे छोटे छोटे बॉल्स रेडी करूंगी स्टफिंग के लिए। अगर पहले से हम इस तरह के बॉल्स बना के रखेंगे तो बहुत आसानी रहती है मोदक बनाने के लिए। सारे बॉल्स रेडी है। ये 250 ग्राम काजू का पाउडर है। इसको मैंने घर पे ही बनाया है, तो ऐसा खिला खिला पाउडर बनाने के लिए आपको मिक्सर को रुक रुक के चलाना होगा। हमें ऐसा ही पाउडर चाहिए, इसके अंदर बिल्कुल ही ऑयल नहीं है। अगर आप लगातार मिक्सर जार चला के पाउडर तैयार करेंगे तो काजू से ऑयल सेपरेट होने लगेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। ये मिल्क मेड है, होम मेड मिल्क मेड। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैं दे दूंगी, आप देख लेना। कुछ केसर के धागे को गरम मिल्क में मैंने भिगो के रखे थे और ये इलायची पाउडर है। तो एक बड़े बाउल में मैं काजू के पाउडर को डालूंगी। फ्रेंड्स, काजू का पाउडर कैसे बनाना है वो आप देखना चाहते हैं तो काजू अंजीर रोल और केसर काजू कतली की रेसिपी आप मेरी देखें, इसके अंदर मैंने दिखाया है, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस पाउडर के अंदर मैंने इलायची पाउडर डाल के अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इलायची पाउडर को मैंने काजू के पाउडर के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ये गरम केसर वाला जो थोड़ा मिल्क है, एक से दो छोटी चम्मच वो डाल रही हूँ। केसर के जो थ्रेड है उसको मैं नहीं डालूंगी, उसको हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। कोई भी रेसिपी में गार्निशिंग करना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे पहले हम आंखों से खाते हैं और इसके बाद हम मुंह से खाते हैं। तो अगर गार्निशिंग अच्छी होगी वही खाने को हम ललचाएंगे। इसके अंदर मैंने मिल्क मेड डाला है। मिल्क मेड में शुगर पहले से होती है तो एक्स्ट्रा शुगर हम नहीं डालेंगे। जरूरत के अनुसार हमें मिल्क मेड डालना है। चम्मच से मिक्स करने के बाद मैं हाथ की सहायता से इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हाथ
हाथ से अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ एक साफ प्लास्टिक लिया है और इसे मैं घी से चिकना करूँगी। और जो हमने ये रेडी करके रखा था काजू का, इसको मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। अब इसी तरह से हम इसको मलेंगे। ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस तरह से मलने से इसके अंदर एक शाइनिंग आती है और ये एकदम स्मूथ हो जाता है। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसी तरह से इसको मलेंगे। इसके बाद में हम इसके मोदक बनाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया बनेंगे और बनाते वक्त ये फटेंगे भी नहीं। तो आप इस स्टेप को जरूर फॉलो करें। देखें एकदम स्मूथ और शाइनिंग आ गई है। अब हम मोदक बनाएंगे। तो मोदक बनाने के लिए यहाँ पर मैं मोल्ड का यूज करती हूँ। तो इसको हम पहले घी से चिकना कर लेंगे ताकि हमारा ये मोदक है वो आसानी से निकल आए। तो ये काजू का जो हमने मिश्रण बना के रखा था वो मैं दोनों साइड थोड़ा थोड़ा इस तरह से डालूंगी। मैं आपको दो तरह से मोदक बनाना सिखाऊंगी मोल्ड से, कि दो तरह से कैसे बनता है। ये साइड से निकला हुआ हम निकाल देंगे और उंगली से इस तरह से बीच में खड्डा करेंगे और इसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे। तो जो हमने बॉल्स बना के रखे थे वो मैं यहाँ स्टफिंग में यूज़ करूँगी। तो इस तरह से डालने के बाद ये मुंह हम बंद कर देंगे ऊपर से इस तरह से, और अच्छे से इसको दबाएंगे और लेवल करेंगे। अब हम मोल्ड को खोलेंगे और आप देखेंगे कि मोदक कैसा बना है। देखिए मोदक हमारा बनके तैयार है। अब मैं दूसरे तरीके से भी दिखाऊंगी। इसको साइड में रखेंगे और दूसरी तरीके से बनाएंगे। तो डायरेक्ट मैं यहाँ डाल रही हूँ इस तरह से और बीच में उंगली से खड्डा करूंगी और खड्डे में स्टफिंग डालूंगी। बादाम, द्राक्ष और पिस्ता से जो हमने रेडी किया था वो स्टफिंग में डालूंगी। इस तरह से डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। मुंह बंद कर दूंगी और इस तरह से लेवल कर दूंगी। हमारा मोदक रेडी है। इसी तरह से मैं सारे मोदक तैयार करूंगी। देखिए फ्रेंड्स मोदक बनके तैयार है। फ्रेंड्स मोदक बनके तैयार है। अब केसर के जो धागे हैं इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर लगाऊंगी और मोदक को सजाऊंगी। इस तरह से हम गार्निशिंग करेंगे तो ये देखने में थोड़ा ब्यूटीफुल लगे। फ्रेंड्स ये ऑरेंज फूड कलर है और ब्रश से मैं इसको मोदक के ऊपर थोड़ा थोड़ा फूड कलर इस तरह से लगाऊंगी। ऑप्शनल है, अगर आप इस स्टेप को फॉलो करना चाहें तो करें वरना स्किप करें। वैसे भी ये मोदक खाने में बहुत ही यम्मी लगेंगे। देखिए फ्रेंड्स मोदक बनके तैयार हो गए हैं खाने के लिए। ये बहुत ही हेल्दी है और स्वाद में ये बहुत ही यम्मी है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो फ्रेंड्स, मेरी इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर करें। तो चलो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।